747-200. It's a real old plane. Oh my God, that's Superman. That's not. People, 100 millions of people died in that plane. You know that? That's like. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो एक अच्छी बात से शुरू करते हैं। जिनका भरोसा अल्लाह हो, उनकी मंजिल कामयाबी है। मंजिलें हमेशा उनको मिलती हैं जो इनकी तलाश करते हैं। कोशिश और तलाश करते रहिए, कामयाबी अल्लाह ज़रूर देगा इंशाल्लाह। पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ अपना रोड ट्रिप शेयर किया था। आप में से अगर किसी ने वो ट्रिप नहीं देखा, वो व्लॉग नहीं देखा, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको आसानी से मिल सके। आज की ये वीडियो उसी ट्रिप का पार्ट टू है, तो चलिए साथ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। हम माउंटेन्स के एरिया में पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में ब्राउन माउंटेन्स हैं। यहाँ पर ऐसे ही माउंटेन्स होते हैं, यहाँ पर लश ग्रीन, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं रहती, इसलिए यहाँ पर ये ब्राउन ब्राउन पहाड़ ही नज़र आएंगे आपको। लेकिन फिर भी ये एरिया बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ भी नज़र आएंगे आपको रास्ते में। हमने काफ़ी जगह रास्ते में रुक के वीडियोस बनाई, पिक्चर्स लीं ताकि आप लोगों के साथ शेयर की जा सकें। हम लोग रफीसा डैम की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उसी रास्ते में आपको दिखाएंगे कि हमें और कितनी खूबसूरती और क्या क्या नज़र आया। यहाँ से आप देखें थोड़ी ग्रीनरी शुरू हो गई है और ये रफीसा डैम का एरिया है, तो चलिए देखते हैं। दोनों तरफ पहाड़ हैं और सामने समंदर है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लगा ये देख के। और ये हम पहुंच गए हैं रफीसा डैम पे, और बाहर से ही आप देखें कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल है ये। सामने आप देखें पहाड़ों के बीच में ये छोटी सी झील, बहुत ही प्यारी लग रही है। लोग बोटिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अभी रश काफ़ी था, इस वक्त बोटिंग के लिए बहुत लंबी लाइन थी। हमने सोचा कि हम लोग बाद में बोटिंग करेंगे, पहले हम इर्द गिर्द के एरिए को देखते हैं, क्योंकि सर सब बता रहे थे कि एरिया बहुत खूबसूरत है और यहाँ देखने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। डैम के साथ साथ ये बिल्कुल उन्होंने वॉकवे बनाया हुआ है। आप इस पे जाके अच्छी अच्छी वीडियोस ले सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं। और दोनों तरफ ये ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहाड़, पानी और ग्रीनरी तीनों एक साथ बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बोटिंग को हम लोगों ने डिसाइड किया कि बाद में करेंगे, इसलिए वॉकअवे की तरफ चले गए। और हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग पिक्चर्स ले रहे थे, वीडियोस ले रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलें हम लोग भी पहले अपनी वीडियोस ले लेते हैं। थोड़ी सी धूप और गर्मी थी यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद अच्छा लग रहा था। ना तो रास्ते की थकन का एहसास हो रहा था, बहुत फ्रेश फील कर रहे थे हम सब।
देखिए पानी में छोटी छोटी फिशेस भी हैं। वाओ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत। दूसरी तरफ माउंटेन पे इन्होंने हाइकिंग के लिए भी ट्रैक बनाया हुआ है, लेकिन बहरहाल वो हम उस तरफ नहीं जा रहे क्योंकि आज हमें सिर्फ इस एरिए को देखना है और बोटिंग करनी है। और ये देखिए ये हमें दो डक्स नज़र आ गई हैं बैठी हुई, इतनी प्यारी लग रही थी ये, और ग्रीनरी फ्रेशनेस और उसके साथ ये दो डक्स, बहुत ही कंप्लीट व्यू लग रहा था ये, बहुत इंजॉय कर रहे थे हम लोग। आई थिंक और भी होंगी यहाँ पे डक्स। और अब हम आगे हैं बोटिंग की तरफ फाइनली। लाइफ जैकेट्स ले ली हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी बोट की तरफ। मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वो ज़्यादा बोटिंग और ज़्यादा आउटिंग में नहीं गया हमारे साथ, तो आज वो बहुत ही हैप्पी था, बहुत खुश था। मेरी बेटियां जो हैं उनको कायाक बोटिंग अच्छी लग रही थी, इसलिए वो सेपरेट बोट में हैं और बाकी हम फैमिली एक साथ। आप मुझे बताइएगा आप में से किस किस को बोटिंग अच्छी लगती है, और आप लोगों ने कभी इसका एक्सपीरियंस किया हो तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप कहाँ गए इसके लिए और कौन कौन से नॉर्दर्न एरियाज़ या खूबसूरत एरियाज़ में आप लोगों ने ट्रैवल किया है। हम लोग तो जब भी पाकिस्तान जाते हैं बहुत मुश्किल होती है क्योंकि एक माँ के लिए जाते हैं और उस एक माँ में सब रिश्तेदारों से मिलना, और बहुत मुश्किल होता है कि हम कहीं आउट ऑफ द वे जाके किसी और एरिया में जाएं, लेकिन हमेशा एक प्लान रहता है कि जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। साथ साथ बातें हो रही हैं, साथ साथ में बोटिंग हो रही है, और खूब मज़े आ रहे थे सबको, खूब इंजॉय कर रहे थे। मुझे बोटिंग ज़्यादा पसंद नहीं है, आई डोंट नो क्यों, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं कि मुझे क्यों पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ बिल्कुल इसका शौक़ नहीं है कि मैं स्पेशल इसके लिए कहीं जाऊँ, लेकिन अपने बच्चों के साथ मैंने भी बहुत इंजॉय किया उस दिन। So many ducks.
वो उधर को ही जा रही हैं दोनों येलो बोट में। झील के बीच में इन्होंने एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे हरण रखे हुए हैं। वो एरिया भी बहुत खूबसूरत है, वहाँ आप उनको दूर से देख सकते हैं, आप पिक्चर्स ले सकते हैं। ज़्यादा करीब जाने का परमिशन नहीं है, लेकिन दूर से आप उनको देख सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, और वो बहुत ही अमेजिंग लगता है क्योंकि वो पानी के बिल्कुल बीच में एक आइलैंड की तरह बना हुआ है। ये देखिए, ये सामने मैं आपको वो एरिया दिखा रही हूँ, और इसके ऊपर बहुत सारे, चूँकि उन्होंने एक बिल्कुल एरिया बंद किया हुआ है, वहाँ पे लाइनिंग की हुई है कि वहाँ से आप आगे नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ पे आपको डियर्स नज़र आएंगे। और ये सब देख के नेचुरल ब्यूटी जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये देखिए, ये एक डियर मैं आपको दिखा भी रही हूँ, और यहाँ ज़्यादा करीब आप नहीं जा सकते, शायद इसलिए कि वो कहीं डर के भागे ना, लेकिन ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। एक ये ऊपर भी है, एक वो छोटा सा सर निकाल के देख रहा है सबको, आराम से बैठा हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा था। हम लोगों ने खूब चारों तरफ घूम के जितने एरिए में हम जा सकते थे एक्सप्लोर कर सकते थे हम लोग गए, क्योंकि हमारे पास तकरीबन एक घंटा था बोटिंग में, और हम लोगों ने उसको पूरी तरह एंजॉय किया था। अभी मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी डक्स दिखाऊंगी जो कि पानी में आपको फ्रीली घूमती हुई नज़र आती हैं, और वो इतनी प्यारी लगती हैं। ये देखें इसके कितने मज़े लगे हुए हैं, इसको कोई बोट की भी ज़रूरत नहीं है और ये कहीं भी आ जा सकती है। हम इतना मज़ाक कर रहे थे कि हमसे ज़्यादा तो बोट तेज़ी, ये तेज़ी से जा रही हैं। ये देखें, अभी ये यहाँ से जाएंगी, और वो जो मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी प्लेस बनी हुई है जहाँ पे डियर्स भी हैं, वहाँ पे ये चली जाएंगी, फिर वहाँ से ये वापस ट्रैवल भी करती हैं। और ये इतनी प्यारी लगती हैं ना, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। ये मेरी दोनों बेटियां हैं और ये कायाक पे हैं, और दोनों को मुश्किल में मुसीबत पड़ी हुई है क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा आपको पता है कि थोड़ा ज़ोर से आपको करना पड़ता है पैडलिंग, और ये वो हमें चिप्स पास कर रही हैं ताकि हम लोग साथ साथ में एंजॉय भी करें। और ये हम चिप्स खाते हुए, बोटिंग के बाद प्रोग्राम है कि हम लोग डिनर करेंगे, लेकिन अब भी आप ये देखें कितनी सारी डक्स हैं यहाँ पे ना। और हमने यहाँ एक तरफ एक एग भी देखा है, क्योंकि एक साइड में हमने देखा था स्टोन के पास, और बड़ी डिफरेंट टाइप की डक्स भी थी यहाँ पे। ये तो नॉर्मल डक है, हमने एक और डिफरेंट डक भी देखी, उसका थोड़ा माउथ के ऊपर कुछ रेड से कलर की थी, किस टाइप की डक थी। ये देखें, ये बेचारी अकेली इधर खड़ी है, और यहीं पे हमने ये देखें इसका एग भी देखा, एक शायद ये अपने एग को गार्ड कर रही है। दिस इज आल्सो डक। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया।
और मैं उन सबको खुश देख के खुश हो रही थी। और उसके अलावा नेचर, नेचर तो हमेशा ही मुझे इंस्पायर करती है। और बर्ड था, ये देखें, ये एक और डक जो है ये देखें स्विम करती हुई जा रही है। अच्छा, ये इतनी लोगों से इतनी वो हो गई हुई हैं कि बिल्कुल भी डरती नहीं है। बेशक आप इनके पास जाके इनकी पिक्चर्स ले लें, वीडियो ले लें, और ये डरती नहीं है और ना ये काटती हैं। और इसके साथ ही हमारा टाइम हो गया पूरा, और अब हम जो है वापस बिग की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे हम बोट को हैंडओवर करेंगे और लाइफ जैकेट्स को देंगे वापस, और इसके बाद हम अपने वापस ट्रैवल करेंगे। और रास्ते में जहाँ भी हमें कुछ अच्छी प्लेस मिल जाए तो वहाँ हम डिनर करेंगे, क्योंकि हम काफ़ी देर से निकले हुए हैं और आई थिंक कि अभी हमें और टाइम लगेगा यहाँ से जाते हुए। और ये है हमारा वे बैक। यहाँ से किसी का भी जाने को जी नहीं था, लेकिन बहरहाल घर तो जाना था। और ये है देखिए, मैंने आपको कहा था हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए क्योंकि अच्छा खासा वक्त हो गया है और अब हमें डिनर करना है। नेक्स्ट किसी और व्लॉग में आप लोगों के साथ फिर कुछ नया शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इसी तरह मेरे साथ रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।